हाय दोस्तों, बेस्ट बुक्स विद एचएसआर मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम किताबों के बारे में बात करें अपनी, मैं चाहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज मेरी किताब जो अमृता प्रेतम द्वारा रची गई है, जिस किताब का नाम है सातवीं किरण, जिसमें लेखिका ने मोहब्बत की आत्मकथा को नज्मों के माध्यम से रचना की है। इसके अंदर लेखिका ने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से जो नज्में पेश करी हैं, वो आपको पढ़ने में भी काफी अच्छी लगेंगी, रोचक लगेंगी। एक बार यदि आप इस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे तो किताब की जो नज्में हैं वो आपको बुक्स छोड़ने नहीं देंगी और सिर्फ पूरा पढ़ने के लिए बहुत आपको प्रेस करेंगी। मैंने खुद उनकी ये बुक पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। उसमें से एक खास रचना जो उनकी है, मैं आपको बताना भी चाहता हूं। रचना है, चांद सूरज जिस तरह एक झील में उतरते हैं, मैंने तुम्हें देखा नहीं, कुछ नक्श से उभरते हैं। माना कि लंबी रातें हैं और नजर कुछ आता नहीं, किरणों के सहारे काफिले इस राह से गुजरते हैं। वादों को तोड़ती है हर बार ये ही जिंदगी, कुछ लोग हैं मेरी तरह फिर एतवार करते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी नज़में हैं जो बहुत अच्छी अच्छी हैं, मैं चाहूंगा आप उसे पढ़ें। एक और छोटी सी मैं पेश करता हूं, मेरा तो मन ही नहीं करता इसे छोड़ने का, फिर भी मैं आपको एक सुनाता हूं, प्लीज सुनिए। तुम कौन हो, कहां हो तुम, हकीकत एक साया है या महज एक ख्याल हो, और शायद इसी जमीन से आकाश का सवाल हो, ये जहन की मदहोशियां, ये सुलगती खामोशियां, तुम जिंदगी की चीख हो या मौत का जमाल हो, कौन हो तुम, कहां हो तुम। दोस्तों, इसकी नज़में इतनी सुंदर नज़में हैं कि मैं चाहूंगा जरूर एक बार देखें। अब मैं अपनी बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाता हुआ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी मेरी नई इन्फॉर्मेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहे और आपको इसका वेट ना करना पड़े। एक छोटी सी बात तो और आपसे शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, ये किताब अपने आप में यूनिक है, जो हिंद पॉकेट बुक्स द्वारा बनाई गई है। वैसे मेरी ज्यादातर किताबें हिंद पॉकेट बुक्स से ही जुड़ी हुई होती है, क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि किताबें आप लोगों को आसानी से मिल जाए, इसलिए आपके शहर के किसी भी नजदीकी बुक सेलर, जो बड़ा बुक सेलर है, उसके पास आप जाओगे आपकी किताबें आराम से मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ पर अपनी बात को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर